हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल राधे राधे आज प्रिपोजिशन कराएंगे Hmm. आज कुछ ऐसी प्रिपोजिशन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो कराने वाले हैं उसके बाद आपको मैं एमसीक्यूज दे दूंगी ठीक है आप लोग उससे प्रैक्टिस कर लेना hmm. गुस्से में नहीं गुस्से में नहीं हूँ मेरा पेट दुख रहा है हाँ डायरेक्ट डायरेक्ट खत्म हो गया क्यों दुख रहा है एक्चुअली मेरे को ना वही जो सूजन है ना भी गई नहीं है चिकन पॉक्स वाली अंदर से आतों पर सूजन आ गई है तो वो सूजन मेरे पूरे पे है कमर पे है तो वो दुखता है मेरे को दर्द करता है तो आज मेरे को बहुत दर्द हो रहा है रात सोई नहीं पाए सुबह भी दर्द hmm. Hmm. चलो हाँ, ये मेरा मेरा बिगड़ बिगड़ गया Actually, मेरा न, बिगड़ गया एक्चुअली जो चिकन पॉक्स था ना डिवाइड करेंगे तो इसका अर्थ क्या निकल जाएगा अगर पंद्रह दिन की छुट्टी ले ली होती मैंने तब तो मैं ठीक हो ही जाती मैंने छुट्टी ही नहीं ली मैंने केवल वन वीक की ली थी और वही मेरा एक सप्ताह जो मैंने नहीं ली ना नेक्स्ट उसने मेरा पूरा बर्बाद कर दिया मेरी बॉडी को सो so, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया प्री प्लस पोजीशन है ना ऐसा बोलेंगे नहीं हम इसको प्री पोजीशन गलत होता है कहना प्रेपोजिशन कहना सही रहता है इको नहीं बोलते प्रेपोजिशन ऐसे बोलते हैं तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया पोजिशन का मतलब क्या होता है पोजिशन का मतलब होता है स्थिति और प्री का मतलब होता है पहले है हाँ ना प्री का मतलब क्या होता है पहले तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की अगर हमें स्थिति बतानी है तो हम किसका यूज करते हैं प्रिपोजिशन का है हाँ ना तो होता है क्या इसमें प्रिपोजिशन एकमात्र एक ऐसा एक शब्द है जो जनरली सही पोजीशन को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है फॉर एग्जाम्पल अः जैसे कि आप घर पे हैं ठीक है आप घर पे हैं और आपने पूछा घर पे जैसे ही हो और सुबह सुबह आपको ऑफिस जाना है ठीक है अब आपने पूछा कि बेल्ट कहाँ है बेल्ट आपने पूछा कि बेल्ट कहाँ है मेरी बेल्ट नहीं मिल रही है मुझे तो मम्मी ने बोला कि रूम में ही है मम्मी ने क्या कहा रूम में ही है जाओ देखो रूम में मिल जाएगी तो आप गए तो ध्यान देना मम्मी ने कहा रूम में है उन्होंने ऑफ प्लेस बताया जगह बताई कि रूम में है लेकिन ये नहीं बताया उस वस्तु की पोजीशन क्या है एग्जैक्ट पोजीशन क्या है तो प्रोजिशन एकमात्र ऐसा शब्द होता है जिसकी सहायता से हमें एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता चलता है अगर हम प्रशन का पता नहीं करेंगे तो शायद हमें कभी भी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल पाएगी तो जैसे हमने कहा कि रूम में है तो रूम में कहीं भी हो सकती है बेड पे हो सकती है टेबल पे हो सकती है कपड़ों के पास हो सकती है कहीं भी हो सकती है लेकिन वो एग्जैक्ट लोकेशन अगर हमें पता चल जाए तो हम तुरंत हम उसको ढूंढ लेंगे तो आपको नहीं मिली आपने दोबारा पूछा कि मुझे नहीं मिल रही कहाँ रखी है तो मम्मा ने कहा कि बेड पे ही बेड के ऊपर रखी है बैड के ऊपर रखिए बैड के ठीक ऊपर रखिए अलमारी के ठीक ऊपर रखिए तो आपको एक नाउन और एड किया और फिर बताया कि रखी रखिए तो ओवरऑल क्या होता है दो से तीन शब्दों के बीच की कहानी होती है तो जब जब प्रजिशन का यूज किया जाता है एक शब्द से दूसरे शब्द के साथ रिलेशन बता के हम क्या करते हैं उस पर्टिकुलर वर्ड की पोजीशन फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो शब्द क्या कहलाता है अपने आप में प्रिपोजिशन कहलाता है एक शब्द का प्रयोग अन्य शब्द के साथ किया जाएगा प्रिपोजिशन को सही तरीके से यूज करने के लिए तो वो होती है अपने आप में क्या प्रिपोजिशन ठीक है ये तो इसका बेसिक मीनिंग हो गया अगर हम बात कहें कि सेंटेंस में आ, इसका यूज कहाँ कैसे कैसे कर सकते हैं जैसे मैंने आपको एडजेक्टिव में बताया कि एडजेक्टिव की पोजीशन सेंटेंस में कहां-कहां होती है डू यू रिमेंबर कि एडजेक्टिव में पोजीशन एडजेक्टिव की पोजीशन सेंटेंस के अंदर कहां-कहां हो सकती है आई टोल्ड यू ओनली टू थिंग्स कि कहां-कहां हो सकती है सेंटेंस में एक वर्ब के इमीडिएट बाद और एक नाउन के ठीक पहले सिर्फ ये दो पोजीशन बताई मैंने सेंटेंस में अगर कहीं एडजेक्टिव आएगा तो केवल ये दो ही पोजीशन इसकी निर्धारित है या तो नाउन के ठीक पहले या वर्ब के ठीक बाद हमें क्या मिलेगा हमें मिल जाएगा एडजेक्टिव उसी तरीके से प्रीपोजिशन की पोजीशन भी फिक्स होती है सेंटेंस के अंदर तो कहां-कहां हम इसका प्रयोग कर सकते हैं तीन पोजीशन होती हैं वाक्य में आप तीन जगह प्रीपोजिशन को पा सकते हो आ... यूज कर सकते हो आप इसको स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस बिल्कुल सेंटेंस के शुरुआत में आप इसका यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस सेंटेंस के शुरुआत में आप प्रिपोजिशन का यूज कर सकते हैं दूसरा मिडिल यानी कि सेंटेंस के बीच में भी आप प्रिपोजिशन का यूज कर सकते हैं सेंटेंस के बीच में का यूज कर सकते हैं और एंड, एंड ऑफ़ द प्रिपोजिशन का यूज कर सकते हैं ये तीन पोजिशन निर्धारित है सेंटेंस के बीच में मिल जाएगा सेंटेंस के अंत में मिल जाएगा सेंटेंस की शुरुआत में मिल जाएगा तो ये क्या है पोजिशन ऑफ प्रिपोजिशन तीन जगह पर ही केवल का प्रयोग किया जाता है हालांकि सब पहचान लेते हैं बट मेरा काम था आपको बताना कि तीन जगह पर हम प्रयोग कर सकते हैं बताना इसलिए भी था कि कभी आप गलत ना समझ बैठो कि यार ये एंड में कैसे आ गई ये शुरू में कैसे है बीच में तो सब नहीं देखी होती है तो चलो एक एग्जाम्पल आपको देखे समझाते हैं कि शुरू में बीच में और अंत में कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं ठीक है हुँ, हुँ। पहचान बताई जा रही है बस वैसे तो सब लोग आप पहचान ही लेते हो है ना फाइंड आउट कि यहां पर कहा है जल्दी से पहचान है मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूं आपको पहचानना है इन पूरे वाक्य में प्रोजिशन का प्रयोग कहां पे हुआ है पैसे तो पहचान लेते हो बट फिर भी अगर हम पहले वाक्य को देखें हु वॉज ही टॉकिंग टू वह किससे बात कर रहा है था तो यहां पर यह सब्जेक्ट है यह वर्ब, वर्ब है और इसको हम क्वेश्चन वर्ड भी कह सकते हैं हु को यहां पर अगर आप देखेंगे तो टू क्या है यह आपकी प्रपोजिशन है. है ना देयर इज अ बॉक्स अंडर द टेबल बॉक्स कहां पर स्थित है अगर हम सिंपली ये कह दें कि देर इज अ बॉक्स वहां बॉक्स है लेकिन अगर जैसे इसने कहा कि अंडर द टेबल टेबल के अंदर है तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता चल गया तो जब हमें किसी नाउन की एग्जैक्ट लोकेशन बताने होती है किसी दूसरे शब्द के साथ तो उसी शब्द को हम क्या कहते हैं प्रेपजिशन कहते हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान यहां पे अगर आप देखेंगे तो शुरू में इसका यूज हुआ है तो ये भी क्या है प्रेपजिशन है तो सेंटेंस के शुरुआत में सेंटेंस के अंत में आप किसका यूज कर सकते हैं प्रोपोजिशन का यूज कर सकते हैं इतनी बात क्लियर हुई वैसे यहाँ पे कुछ भी हार्ड बात नहीं है बस पहचानना था पहचान पाओ आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि अंत में आ गया तो ये गलत है गलत नहीं होती सही होती है ये तीन इसके क्या होते हैं जगह होती है इन तीन जगह पर ही आपको ये अक्सर मिलेगी ठीक है अब पहुंचते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ नेक्स्ट पॉइंट ये कि कई सारे टाइप भी होते हैं प्रपोजिशन के मैं आपको बस रफली बता दे रही हूं कि प्रपोजिशन को हम कई तरीके से देखते हैं हम सिंगल फॉर्म में देखते हैं प्रपोजिशन कई बार बेचारी अकेली आ जाती है जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा इन ऑफ ईटीसी बहुत सारी होंगी अकेली है कई बार डबल फॉर्म में भी आ जाती है है ना जैसे फॉर एग्जाम्पल इन टू ऑन और भी होंगी बहुत सारी कुछ ऐसी भी होंगी जो दो से ज्यादा फॉर्म में यानी कि तीन शब्दों के साथ जुड़ जाए उनको हम क्या कहते हैं उनको हम कह देते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्रिपोजिशन होती है वो जैसे इंस पाइट ऑफ इन ऑर्डर टू यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि दो प्रोपोजीशन यूज हुई है एक ये भी है और एक ये भी है बीच में वर्ब का प्रयोग हुआ है तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन का हिस्सा मानी जाती है इन स्पाइट ऑफ इन ऑर्डर टू ठीक है कुछ ऐसी भी मिलेंगी आपको देखने को तो ये भी इसी का हिस्सा होता है ठीक है चौथा जो टाइप हमें देखने को मिलता है इसी में से फ्रेजल का देखने को मिलता है फ्रेजल वर्क फॉर्म वो भी यहीं से डिराइव होता है बनता है फ्रेजल फॉर्म क्या होता है फ्रेजल फॉर्म होता है जहां पर हमें एक वर्ब मिलेगी और उसके साथ एक प्रिपजिशन मिलेगी और दोनों मिलके एक डिफरेंट क्या देंगे मीनिंग देंगे वो फ्रेजल वर्ब कहलाएगी जैसे यहां पे हमने वर्ब लिख दी लुक और प्रिपजिशन लिख दी आफ्टर तो दोनों का अर्थ क्या बन जाएगा टेक केयर ऑफ देखभाल करना देखभाल करना ठीक है कुछ टाइप से होंगी टेक ऑफ डन ठीक है तो ये हमारे पास क्या है ये कुछ टाइप है जिनके हिसाब से हम क्या करते हैं ये हमें देखने को मिलती है अब इनके सबके अलग अलग यूज होते हैं जैसे इन ऑफ है इनके पर्टिकुलर यूज होंगे कहाँ पे डायरेक्शन पे यूज करेंगे टाइम के साथ यूज करेंगे इनको यूज़ करेंगे इनके अलग से प्रयोग होंगे इनको कहाँ पे यूज करेंगे सबके अपने अपने रूल्स होंगे और उन रूल्स को हम आगे देखते हैं तो ये चार टाइप आपको अक्सर देखने को मिल सकते हैं अकेला डबल फॉर्म ट्रिपल फॉर्म या फिर सॉरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म या फिर फॉर्म इन चार टाइप में आपको प्रिपोजिशन देखने को मिलेगी सो दिस इज द बेसिक टर्म्स अबाउट प्रिपोजिशन ये सारे बेसिक नॉलेज थी प्रिपोजिशन के बारे में टॉपिक अभी शुरू हुआ नहीं है अब शुरू होगा ठीक है अब शुरू होगा तो यहां से चलते हैं बेसिक फॉर्म पे है हाँ ना ठीक है तो प्रोपजिशन को हम यूज कहां कहां कर सकते हैं प्रोपिजीशन का प्रयोग जो हम कर सकते हैं टाइम के लिए कर सकते हैं है हाँ ना डिस्टेंस के लिए कर सकते हैं और कहां कर सकते हैं प्लेस के लिए कर सकते हैं और कहां कर सकते हैं और अन्य अर्थों में भी इसका प्रयोग किया जाता है ठीक है प्रपिजीशन का प्रयोग टाइम के लिए किया जाता है डिस्टेंस के लिए किया जाता है प्लेस के लिए किया जाता है अन्य अर्थों में किया जाता है अन्य अर्थ से मतलब होता है कुछ वर्ड आपको ऐसे भी मिलेंगे जो प्रन का भी काम कर रहे होंगे कंजेक्शन का भी काम कर रहे होंगे ठीक है तो अन्य अर्थों में भी हम इसका यूज कर सकते हैं ये हमारे पास चार टाइप की प्रोपजिशन यहां से मिलेंगी तो सबसे पहले हम बढ़ रहे हैं किसकी ओर प्रोपिजीशन जिनका यूज किसके लिए जनरली करते हैं डिस्टेंस के लिए ऐसी प्रोपोजिशन जिनका प्रयोग हम किसके लिए करेंगे डायरेक्शन सॉरी यार मैंने डिस्टेंस लिख दिया सॉरी डायरेक्शन डायरेक्शन ही है वो स्लिप हो गया ठीक है सबसे पहला इसमें टू आता है टू का प्रयोग किसके लिए किया जाता है डेस्टिनेशन बताने के लिए डायरेक्शन के ही अर्थ में डेस्टिनेशन बताने के लिए डेस्टिनेशन से मतलब क्या होता है लक्ष्य फॉर एग्जाम्पल आपको जाना है दिल्ली तो आपने कहा कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूं हा या मैं कल दिल्ली जाऊंगा तो आपने कहा आई विल गो ब्लैंक दहली ठीक है तो ऑप्शन आपके पास दे दिया टू इन ऑन टू ठीक है और क्या दे दिया Up. तो आंसर क्या बनेगा आई विल गो ब्लैंक दिल्ली कि मैं दिल्ली जा रहा हूं तो हमें यहां से पता चला कि उसका जाने का लक्ष्य क्या है कहां जा रहा है वो दिल्ली जा रहा है वो उसकी डेस्टिनेशन है है ना कोई भी यूज कर लो बिलो शैल आई विल गो टू दिल्ली आंसर क्या हो जाएगा आई विल गो टू दिल्ली ठीक है तो ये था आपका डेस्टिनेशन के लिए डिस्टेंस के सेंस में एक प्रिपोजिशन और यूज की जाती है विच इज टूवर्ड्स टूवॉर्ड्स का मतलब होता है की ओर क्या होता है की ओर यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ जब आपको ये बताना है जब आपको अपना लक्ष्य नहीं बताना है सिर्फ ये बताना है कि आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं ऐसा अक्सर लड़के करते हैं मोस्टली है ना मोस्टली ऐसा नहीं होता कि हमें नहीं बताना होता हम कहते हैं अरे बस वही उस तरफ जा रहा हूं ये बोल देते हैं उस तरफ जा रहा हूं ऐसे बोल देते हैं लेकिन वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताते हमको तो जब आप ये बताना चाह रहे हो कि उस तरफ जा रहे हो इस तरफ जा रहे हो तो वहां पर हम टुवर्ड्स का यूज करते हैं मतलब आप एग्जैक्ट एम डेस्टिनेशन नहीं बताना चाहते वहां पर हम टुवर्ड्स का यूज करते हैं जैसे ही इज गोइंग ही इज गोइंग टुवर्ड्स ही इज गोइंग टूवर्ड्स मान लो पिज्जा हट लिख दिया वह हट की ओर जा रहा है वह पिज्जा हट की ओर जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ इस सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो व्यक्ति है ही इसने हमें क्या नहीं बताया इसने हमें डेस्टिनेशन नहीं बताया इसने केवल हमें यह कह दिया कि वह पिज्जा हट की ओर जा रहा है इसका मतलब यह हुआ कि वो पिज्जा हट नहीं जा रहा पिज्जा हट की तरफ जा रहा है उस तरफ जा रहा है हो सकता है वहां वहां से से पहले रुक जाए या हो सकता है वहां से आगे जाके रुके तो उसने हमें सिर्फ ये कह दिया कि पिज्जा हट की ओर जा रहा है हमें अपनी डेस्टिनेशन उसने नहीं बताई तो टूवर्ड्स का यूज जो किया जाता है की ओर के अर्थ में किया जाता है डायरेक्शन के अर्थ में किया जाता है लक्ष्य बताने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते तो हम ये भी लिख सकते हैं कि लक्ष्य लक्ष्य के के लिए नहीं। के लिए नहीं नहीं इसका यूज किया जाता सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए किया जाता है आपने कहा कि मैं स्कूल तक जा रहा हूं मैं दुकान तक जा रहा हूं इस टाइप से आपने कह दिया इस तरफ जा रहा हूं तो जब आप तरफ की बात करेंगे तो इसका यूज करेंगे है ना या आपने कहा कि मैंने उसको उस तरफ जाते देखा था है ना जैसे आपने कहा आई सो हिम आई सो हिम ठीक है आई सो हिम गोइंग टूवर्ड्स टूवर्ड्स पिज्जा हट मैंने उसे पिज्जा हट की ओर जाते देखा यस yes. मैंने उसे पिज्जा हट की ओर जाते देखा तो आई सो हिम गोइंग टूवर्ड्स पिज्जा तो आपको ये क्लियर हो गया कि जब जब आपको अपना डेस्टिनेशन नहीं बताना केवल ये बताना है किस दिशा की ओर जा रहे हो तो उस केस में आप किसका यूज करते हैं टूवर्ड्स का यूज करते हैं आई सो हिम गोइंग टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन डन अगर आप रेलवे स्टेशन जा रहे हो तो टू लगा दो अगर नहीं जा रहे हो तो आप टूवर्ड्स लगा दो तो ये यहाँ पे दो यूज है क्लियर हुआ बेसिक पॉइंट आपको क्लियर हुआ एक इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है अलोंग एग्जाम में बहुत आता है ये वर्ड ये आपको ध्यान रखना है अलोंग का मतलब क्या होता है अलोंग का मतलब होता है किनारे किनारे क्या होता है जी किनारे किनारे इसका यूज भी किया जाता है डायरेक्शन के लिए ही है ना और किस साइंस में किया जाता है किनारे किनारे के अर्थ में इसका यूज किया जाता है ठीक है जैसे ही वॉक्स ही वॉक्स अब आप मुझे बताना क्या आना चाहिए अभी आंसर मत करना आपको देखो कंफ्यूजिंग पॉइंट एग्जाम में मिलते हैं वो मैं आपको दिखाना चाह रही हूं तो पहले थोड़ा पेशेंस रखना उसके बाद आंसर करना ऐसे ऑप्शन मिलते हैं हमें ऑप्शन हमें कुछ इस टाइप से मिलते हैं ही वॉक्स ऑन द रोड He walks along the road. He walks center of the road. He walks along with the road. तो कुछ ऑप्शन अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो मे बी इट पॉसिबल आप गलत कर लें तो शंभू ने अलोंग आंसर किया है किसी ने अलोंग विद भी समझ में आ रहा है किसी का किसी का ऑन भी समझ में आ रहा है किसी को तो हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ऑन भी सही लग रहा है विद भी, भी सही लग रहा है तो राइट आंसर क्या है।, तो है आंसर तो इसका अलोंग ही होगा क्यों होगा वो जान लो क्योंकि मैंने अभी अभी कहा अलोंग का मतलब होता है किनारे किनारे और जब जब आप टहलते हैं तो रोड के किनारे किनारे ही टहला जाता है एम आई राइट अब यहां जो आप यूज कर रहे हैं अलोंग विद ध्यान रखना अलोंग विद का यूज जनरली किसके लिए किया जाता है पर्सन के लिए यूज किया जाता है और साथ के अर्थ में सो आई नो कि आपको कंफ्यूजन होगा बट आपको ध्यान रखना होगा कि अलोंग का यूज किनारे किनारे के अर्थ में करते हैं जबकि अलोंग विद का यूज जनरली पर्सन या थिंग्स के लिए भी कर सकते हैं बट साथ के अर्थ में साथ के अर्थ में ना कि किनारे किनारे के अर्थ में तो यहां से अलोंग विद ऑन का यूज भी आप नहीं करेंगे क्योंकि हम वॉक के साथ हमेशा अलोंग का ही प्रयोग करते हैं है ना आप नदी के साथ नहीं जाओगे प्रियंका कुमारी अलोंग विद नहीं आएगा यू हैव टू आपको कैसे जाना पड़ेगा नदी के किनारे किनारे या तो तैर के जाओ फिर साथ साथ नहीं चल सकते ठीक है समझ में आ गया जैसे मैं इसका एग्जाम्पल भी उठा लेते हैं शी वॉक्स अब इसमें ऑप्शन हमें कैसे देखने को मिलेंगे इसमें ऑप्शन मिलेगा हमें इन इसमें ऑप्शन हमें अबॉन्स अगेन अलोंग मिलेगा इसमें हमें ऑप्शन अलोंग विद मिलेगा आपको ध्यान रखना है कि क्या आएगा बैंक ऑफ द रिवर वह नदी के हाँ अगर ऑन भी मिल सकता है एट की जगह ऑन की ज्यादा प्रायोरिटी ऑप्शन में आने की तो ऑन लिख लेते हैं यहाँ पे सी वॉक्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर तो ये तो ऑन गलत है अलोंग विद भी गलत है साथ साथ के अर्थ में आता है जबकि हम नदी या फिर सड़क के किनारे किनारे टहलते हैं सो यस शी बॉक्स अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर राइट आंसर इज अलोंग ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए दोनों के दोनों ठीक क्लियर हो गया तो ये भी डायरेक्शन से ही क्वेश्चन था मैं आपको वही क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रही हूं जो एग्जाम में हमें मिल सकता है नेक्स्ट हमें मिला अगेंस्ट अगेंस्ट भी ऐसी प्रपोजिशन है जिसका यूज डायरेक्शन के लिए किया जाता है ये कौन सा नंबर हो गया हमारा थर्ड या फोर्थ देख लेना जो भी हो अगेंस्ट भी एक ऐसी प्रोपोजीशन है जिसका यूज डायरेक्शन के लिए किया जाता है ठीक है हाँ सही कहा तो नदी के किनारे किनारे आप टहलोगे ना डियर बैंक ऑफ द रिवर बिल्कुल तो नदी के किनारे किनारे ही टहलोगे ना ठीक है चलो मिल गया आंसर आपको अब बढ़ते आगे की तरफ और हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है अगेंस्ट ठीक है तो अगेंस्ट का जो यूज किया जाता है डायरेक्शन के लिए से सटकर के अर्थ में भी इसका किया जाता है यूज यहां से एग्जाम में बहुत आया के विरुद्ध तो आपने सुना ही होगा के विरुद्ध या के विपरीत है ना ये दोनों अर्थों में प्रयोग किया जाता है साथ ही साथ हम से सट करके अर्थ में भी इसका प्रयोग करते हैं है ना जैसे मैं ऐसे खड़े हो जाऊं इससे सट के दीवाल से सट के कई बार खड़े हो जाते हैं like लाइक उस तरीके से है ना जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आया था फॉर एग्जाम्पल ध्यान रखना जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको प्रीवियस ईयर कराए जा रहे हैं ही इज लीनिंग द ट्री वह पेड़ से सटकर ही इज लीनिंग द ट्री वह पेड़ से सटकर क्या है खड़ा है पेड़ से सटकर ऐसे जो मैंने भी बताया तो ध्यान रखना अंडर नहीं आएगा इन नहीं आएगा अच्छा दो बार अंडर लिख दिया तो कुछ और लिख देते हैं यहाँ पे बेनेथ लिख देते हैं तो अंडर नहीं आएगा बिनित नहीं आएगा राइट आंसर क्या आएगा अगेंस्ट ही इज लीनिंग अगेंस्ट द ट्री है ना एक एक बार एग्जाम में एक और क्वेश्चन आया जैसे द लैडर इज इसमें भी लीनिंग ही यूज कर लेते हैं यहां पे क्या आना चाहिए आंसर द लैडर इज यही लिख लो वॉल लैडर क्या होती है सीढ़ी सीढ़ी भी क्या है वॉल से सटकर है ठीक है तो दोनों ही केस में क्या आंसर आएगा अगेंस्ट है ना एक और एग्जांपल इसी टाइप का देख सकते हो यहां पे, जैसे मैंने कहा बोट इज सेलिंग द करंट करंट का मतलब क्या होता है धारा नदी धारा के विरुद्ध चल रही है नदी कह रही हूं सॉरी नाव धारा के विरुद्ध क्या है चल रही है द बोट इज सेलिंग द करंट क्या आना चाहिए वंस अगेन अगेंस्ट तो यहां पर के विरुद्ध का अर्थ हो गया सेल का मतलब क्या होता है नाव को खेना किसके धारा के, के विरुद्ध तो यहां भी आंसर क्या ही बनेगा द बोट इज सेलिंग अगेंस्ट द करंट फाइन सो अगेंस्ट इंपोर्टेंट था समझ में आ गया तो ये भी हमने डायरेक्शन के लिए किसका यूज किया अगेंस्ट का यूज किया नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड अक्रॉस अक्रॉस का यूज भी डायरेक्शन के लिए ही करते हैं और ऐसा नहीं है कि जिन प्रशन का मैं यूज कर रही हूँ किसी और अर्थों में किया नहीं जाता होगा किया जाता होगा लेकिन फिलहाल हम डायरेक्शन सेंस में पढ़ रहे हैं तो केवल उतना ही देख रहे हैं ठीक है उतना ही देख रहे हैं क्लियर है अभी और भी चीजें आएंगी इनमें से कुछ फिर ऐसे भी जिनका यूज और आगे भी करोगे अलग अलग अर्थों में भी करोगे बस आपको अर्थ याद रखना है कि सेंटेंस में कहा क्या जा रहा है जैसे हमने यहाँ पे तीन वाक्य यूज किए धारा के विरुद्ध यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि धारा से सटकर आपको ये ध्यान रखना है कि धारा के विरुद्ध नाव चलती है ना कि धारा से सटकर चलती है ऐसी धारा सॉरी दीवार के विरुद्ध नहीं दीवार से सटकर सीढ़ी को खड़ा करके रखा जाता है ऐसे ही पेड़ के विरुद्ध नहीं पेड़ से सटकर इंसान खड़ा होगा तो आपको उन दोनों अर्थों का ध्यान रखना होगा कि किस अर्थ में कौन सी बात कही जा रही है तो ऐसे ही एक्रोस का मतलब होता है आर पार या इस ओर से उस ओर कह सकते ना इस ओर से उस ओर यहां पे आप कह सकते क्लियर है लिख दू क्या लिखूं इस ओर से उस ओर अजीब सा नहीं लग रहा इस तरफ से उस तरफ कहते हैं अरे आप देख लो देख लेना मैं क्वेश्चन बताती हूँ ठीक है हिंदी देख लेना ऐसे लिख देते ज्यादा सही रहेगा इस पार से उस पार है ना और वो छोड़ो ये सही है आर पार के अर्थ में इस पार से उस पार के अर्थ में ये दोनों ही अर्थों में हम इसका यूज कर सकते हैं है ना जैसे इसको उस पार लिख लो Hmm. My फ्रेंड लिव्स ब्लैंक द रिवर फटाफट से देखो क्या आना चाहिए यहां पे इंग्लिश में लिख लो इसको मैंने कहा मेरा दोस्त नदी के उस पार रहता है मेरा दोस्त नदी के उस पार रहता है ठीक है तो यस मेरा दोस्त नदी के आर पार नहीं कहना हमें नदी के उस पार रहता है इस पार से उस पार भी नहीं कहना हमें कहना है। नदी के उस पार रहता है तो क्या आएगा माय फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द रिवर अब हम कह रहे हैं अब ब्रिज इज लेड द रिवर ब्रिज जो है नदी के ऊपर पड़ा है मतलब नदी के ऊपर पड़ा है इसका मतलब क्या है इस पार से उस पार पड़ा है है ना तो उस पार थोड़ी ना पड़ा है ब्रिज केवल ऐसे नहीं कह सकते इसी पार पड़ा है इस पार से उस पार पड़ा है तो इसका मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ दोनों हिस्से में पड़ा हुआ है तो आंसर क्या आना चाहिए यहां भी अक्रॉस अ ब्रिज इज लेड अक्रॉस द रिवर ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ये अक्रॉस द रिवर और इसके ऑप्शन में मोस्टली जो हमें इसके ऑप्शन मिलते हैं देखने को ओवर भी मिलते हैं अबअप भी मिलता है अक्रॉस भी मिलता है तीनों ही पोजिशन ऐसी होती है कि ऐसा लगता है कि ओवर भी आ जाएगा अबअप भी आ जाएगा है ना और एक अंडर भी दिया होता है तो एक ऑप्शन तो ऐसा होता है जिसको इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हो बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा ब्रिज इस पार से उस पार डाला जाता है तो हमेशा क्या आना चाहिए अक्रॉस आना चाहिए ओके क्लियर है सभी को क्वेश्चन ही है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता यही तो टाइप है ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है येरा यहाँ पे ब्लैंक बना लो लो बन गया एग्जाम का पैटर्न ये प्रीवियस ईयर का ही तो है और एक बार नहीं कई बार आया हुआ ये वाला क्वेश्चन ये ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ब्रिज इज लेड ब्लैंक द रिवर ओवर एब एक्रॉस मैं वही तो कह रही हूँ आपसे ऑप्शन ही ऐसे मिल रहे हैं ओवर का मतलब भी ऊपर है अबब का मतलब भी ऊपर है तो आप तो सोच सकते हो ना कि यार नदी के ऊपर ब्रिज है ऐसी तो सोचोगे तो अब ओवर में हो सकता है कोई ओवर लगा दे हो सकता है कोई अब लगा दे लेकिन नदी के ऊपर ब्रिज जो होता है ठीक ऊपर थोड़ी ना होता है वो एक तरफ से दूसरी तरफ होता है एम आई राइट तो इसीलिए ये क्वेश्चन क्या क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन और है इसी में एक और बनता है का जो अर्थ होता है एक और अर्थ में इसका यूज किया जाता है से गुजरना से गुजरने के अर्थ में भी इसका यूज किया जाता है ठीक है से गुजरने के अर्थ में भी इसका यूज किया जाता है जैसे बताना विभाजी <laughs> oh, 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 विभाजी इसके बाद वर्ब भी तो आनी चाहिए डियर प्रिपोजिशन है डायरेक्ट नहीं आएगी आप इस यूज करेंगे तो उसका आई एनजी फॉर्म भी तो आना चाहिए है ना हाँ राहुल एंड हिज फ्रेंड्स राहुल और उसके दोस्त वर गोइंग द फील्ड हम्म कहा से होकर गुजर रहे हैं राहुल और उसके दोस्त खेत से होकर गुजर रहे हैं खेत से होकर गुजर रहे हैं डियर सेंस ही कैरेट टू नहीं हो सकता हमने ये थोड़ी कहा कि खेत में गए हैं कि शीत हमने ये नहीं कहा ना कि उनका डेस्टिनेशन थोड़ी बताया कि खेत में गए हैं भाई अगर आप खेत जाते तो यूज भी करते लेकिन वो तो ये कह रहा है कि खेत से होकर कभी अगर आप खेत में गए हो तो कई बार ऐसा भी तो होता है कि आपका खेत यहां पर है और डायरेक्शन यहाँ से यूं है ये आपकी रोड है लेकिन आपने यहाँ जाना प्रिफर करने की बजाय आप यहाँ से निकल गए सीधा खाली पड़ा था खेत और आप यहां से होकर गुजर के अपने खेत पहुंच गए है ना आपने ये रास्ता प्रिफर ही नहीं किया Am I right? तो ये क्या है आप जब यहां से गुजर रहे होंगे इसका मतलब ये थोड़ी आप खेत गए इसका मतलब यहां से होकर आप गुजर रहे हैं फिर आपकी डेस्टिनेशन आएगी जहां भी पहुंचना होगा तो से होकर गुजरने के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं अक्रॉस का यूज करते हैं जी गो अक्रॉस समझ में आ गया गो अक्रॉस मतलब से होकर गुजरना नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक बहुत बढ़िया फ्रेजल वर्ब भी है एक कह रहे हैं टुवर्ड्स क्यों नहीं होगा हमने कहा कि टुवर्ड्स हो नहीं सकता है हम आपको अलग अलग अर्थ बता रहे हैं हम आपको ये बता रहे हैं कि आप शब्द वैसे यूज करोगे वैसे ही तो प्रिपोजिशन आएगी आपने कहा कि खेत की ओर जा रहा हूं तो टूवर्ड्स तो बोलो आपने कहा खेत से होकर गुजर रहे हो तो अक्रॉस बोलो भाई खेत की ओर जा रहा हूं इसका मतलब अभी आप खेत तक पहुंचे ही नहीं ना डियर right? खेत की ओर जा रहे हो इसका मतलब खेत पे भी पहुंचे ही नहीं आपने कहा खेत से होकर गुजर रहे हो इसका मतलब इसके अंदर होके जा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अक्रॉस है ना कोई चीज किसी के अंदर होके जा रही है जब आप इसकी ओर जा रहे हो इसका मतलब क्या हो गया टू ओर्ड अब ये आ गया आपका खेत तो इसका मतलब ये हो गया टू ठीक है क्लियर है जैसा जैसा बोलेंगे आप वैसी वैसी ही प्रिपोजिशन आएगी अर्थ याद रखना है तो एक फ्रेजल वर्ब है जो एग्जाम में टीचिंग एग्जाम्स में भी देखने को मिली है और प्रीवियस ईयर में भी यहां से आई है अक्रॉस से तो वो फ्रेजल वर्ब आप यहाँ से देख लीजिए और इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट डाउन कर लेना डियर ऐसे आपको भ्रमित नहीं किया जाएगा अगर ऑप्शन में रहे तो अक्रॉस तो क्या लगाएंगे डियर एग्जामिनर है वो उसने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं और उसके बाद बनाए हैं तो उसको पता है कि किस टाइप से एग्जाम में आपको ऑप्शन देने हैं और जिस टाइप के ऑप्शन दिए जाते हैं वो मैं आपको यहाँ मेंशन कर रही हूँ प्रीवियस ईयर में कैसे ऑप्शंस मिल सकते हैं तो जहां नहीं मिलेगा ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं देंगे कि दो दो फिट हो जाए ठीक बढ़े आगे चलो इट्स डिपेंड ऑन यू तो वर्ड है हमारे पास क्या कम hmm. एक्रॉस कम एक्रॉस ये एक फ्रेजल वर्ब है यहां देख पा रहे हो वर्ब मिल गई और एक क्या मिल गया प्रशन दोनों का एक विशेष अर्थ होगा क्या होता है कम एक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना और वो कुछ भी हो सकता है अचानक मिलना और इन इंग्लिश टू मीट टू मीट समवन To meet someone suddenly. To meet someone suddenly. To meet someone suddenly. For example. चलो इस सेंटेंस को पढ़ो आई केम अक्रॉस सोहन इन द मार्केट यस्टरडे क्वेश्चन कई बार एरर में भी आया है इसलिए मैंने इसको पूरा लिख दिया आपसे मैंने वो नहीं कहा कि क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए है ना तो रोशन जी विद तो लगाते ही नहीं है इस बात का ध्यान रखना क्योंकि अक्रॉस का मतलब ही होता है किसी व्यक्ति से मुलाकात होना तो इस पॉइंट पे हम आ रहे हैं सो वेट एंड वॉच आई केम अक्रॉस सोहन मैं सोहन से मिला इन द मार्केट यस्टरडे कल मेरी मुलाकात सोहन से हुई मार्केट में इसका मतलब अनएक्सपेक्टेड अचानक से मुलाकात हुई कोई प्री प्लान नहीं थी अब जैसे कि यहाँ पे रोशन ने विद लगा दिया तो ऐसे भी एग्जाम में एरर मिल जाएगा आपको कि यहाँ पे लिख देगी आई केम अक्रॉस विद सोहन इन मार्केट ये हो जाएगा सुपर फ्लॉस और आता भी एग्जाम में ये हो जाएगा सुपर फ्लॉस क्यों क्योंकि आप इस ये जो पूरा अर्थ है इसी का मतलब ही ये किसी ना किसी से मिलना तो किसी ना किसी से मिलना है तो विद ऐसे केस में नहीं आता एक एग्जाम्पल और बनेगा यहां से जैसे सपोज करो किसी ने कहा कि आई केम एक सडनली आई केम एक सडनली विद माई फ्रेंड मैं अचानक से मेरी मुलाकात किससे हुई मेरे दोस्त से हुई अब इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ लग रहा है बताओ आई केम एक्रॉस सडनली विद माई फ्रेंड इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ लग रहा है वन ऑफ के बाद रोशन प्लेरल वर्ड आएगा नई केम एक्रॉस वन ऑफ माई फ्रेंड्स इन दिल्ली हा तो आई केम एक्रॉस सडनली विद माई फ्रेंड तो या तो डबल ट्रिपल सुपर फ्लॉस हो गया सडनली भी गलत हो गया विद भी गलत हो गया आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड सपोज ये सेंटेंस ऐसे दे दे। आई केम अक्रॉस सडनली माई फ्रेंड अब बताओ क्या गड़बड़ है अब समझ रहे हो अब तो समझ में आ गया होगा हाँ? इसी को ऐसे लिख के दे दे आई केम अक्रॉस विद माई फ्रेंड पॉइंट तो किसी भी सूरत में ना तो आपको सडनली का प्रयोग करना है और ना ही आपको विद का प्रयोग करना है क्योंकि ये जो अर्थ है दोनों के दोनों इसमें शामिल रहते हैं इस प्रजिशन के आ, फ्रिजल वर्ब के अंदर केम अक्रॉस केम अक्रॉस का मतलब ही होता है टू मीट समवन सडनली किसी से अचानक से मुलाकात होना आ गई बात समझ में तो so, यहाँ पर हमारी कुछ जो प्रपोजिशन ही वो यहाँ से डायरेक्शन uh, की थोड़ी सी खत्म होती हैं अब हम बढ़ेंगे टाइम की तरफ प्रपोजिशन ऑफ टाइम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ से कई बार एग्जाम में एग्जैक्ट आ जाता है केवल एक्रोस का मतलब नहीं था डियर के मैक्रोस पूरी फ्रेजल वर्ब है उसको इंडिविजुअली ट्रीट करते ही नहीं है ये बात का ध्यान रखना जितनी भी फ्रेजल वर्ब होती है उनके जो अलग अलग शब्द है उनको अलग अलग अर्थ के रूप में देखते ही नहीं कभी उनका कि हम सोचें कम का मतलब क्या है अक्रॉस का मतलब क्या है ये दोनों के अलग अलग अर्थ लगाते ही नहीं कभी इन दोनों का मिलके एक डिफरेंट अर्थ होता है यही शुरू में बताया था फ्रेजल वर्ब अपने आप में ऐसी होती है कि हम वहां पर हरेक शब्द का अर्थ ना देख के उन दोनों का अलग से ही कोई अर्थ होता है इसीलिए आप कभी भी अपने अकॉर्डिंग एक शब्द का अर्थ निकाल के अर्थ निकालोगे तो सेंटेंस का सेंस कभी सही नहीं निकलेगा ओके यस अरे बहुत सारी यूज हो जाएंगी दो की क्या चलाई दो से ज्यादा भी कर लेंगे तो ऑफ़ टाइम प्रोपजिशन ऑफ टाइम तो आपने सबको ही पता होगा कि कौन कौन सी होती है, है कि नहीं पता है, पता है ना हम्म जैसे एट इन ऑन एम आई राइट एट इन ऑन ये कैसी है ये टाइम के लिए ही प्रयोग की जाती हैं और थोड़ी कम बता रही हूं क्योंकि यहां से बड़ा इजीली हो जाएगा एड का जो यूज किया जाता है प्रीसाइज टाइम के लिए प्रीसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त समय संक्षिप्त से मतलब होता है बहुत थोड़ा सा समय लिटिल जैसे हमने कहा शार्प टाइम भी कह सकते हो जैसे एट ए एम एट पी एम एट ओ क्लॉक ऐसे संक्षिप्त समय एट का यूज इनका यूज कहां किया जाता है जनरली जो इनका यूज किया जाता है लॉन्ग टाइम के लिए किया जाता है है ना लॉन्ग ड्यूरेशन जहां पे आपको मिले कि हाँ लॉन्ग ड्यूरेशन कह सकते हैं यहां पे लॉन्ग टाइम जैसे इन द मॉर्निंग डाबी लगेगा ध्यान रखना इन द इवनिंग है ना इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग इन द आफ्टरनून ऑन का प्रयोग कहां किया जाता है ऑन का यूज टाइम के लिए नहीं किया जाता प्लेस के लिए करते हैं ठीक है यहां से एक और पॉइंट ध्यान रखें एट का यूज जैसे कि मैंने कहा शॉर्ट टाइम के लिए तो एट नाइट एट मिडनाइट, है ना और क्या आ जाएगा इसी तरीके से एट नाइट एट मिड नाइट एट डॉन एट डस्क आपको ध्यान रखना है एट डॉन एट डस्क समझ में आ गया यहां इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग इन द आफ्टरनून ये आप यहां से ध्यान रखेंगे फाइन तो आज टाइम हो रहा है इसलिए मैं अभी आगे का क्या ही बताऊं टाइम होने वाला है मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ तब तक है ना Simple. रिवीजन के लिए यूट्यूब पर जुड़े प्लीज़ रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए यूट्यूब पर जुड़े रिवीजन के लिए यूट्यूब पे जुड़े हैं सुबह रिवीजन चल रहा है नौ बजे आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रिवीजन हो गया उससे पहले नाउन का हो गया प्रोनाउन का कल रिवीजन चलेगा मॉक टेस्ट रिवीजन करना सेवन पी एम जुड़े यहाँ पर ये क्लास चलेगी और आज रात को आठ बजे भी एक मॉक टेस्ट कराया जाएगा आधा घंटे का इंग्लिश का रिविजन के तौर पर तो वहां भी आप जुड़ सकते हो सो ही वॉज कमिंग इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग एट नाइट ठीक है प्रवीण कह रहे हैं आप लोग समझ ही नहीं रेडियर क्या नहीं समझ रहे हैं सिक्स टू एट कंप्यूटर क्लास है तो मैंने तो आठ बजे बोला ना एक मॉक टेस्ट करा देंगे आपको आठ बजे बीस पच्चीस क्वेश्चन का अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है फिर आप यूट्यूब पर जुड़ जाओगे ज्यादा ऐसा लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप यूट्यूब पे जुड़ सकते हो वाइट ही कहा था हाँ नहीं यूट्यूब पे नहीं है आठ बजे पेड क्लास का लगवाएंगे आप लोगों के लिए पंद्रह से बीस मिनट चलेगी बस सिर्फ टेस्ट के तौर पे एक मिनट रुको बात करती हूँ आपसे इसको डाउनलोड कर लो सिक्स टू एट पी एम क्लास है फाइन हाँ जी इसी ऐप पर और कल ये खत्म प्रेपोजिशन मैम इस टाइम पे नहीं हो सकता देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपकी की साइंस की क्लास होती है इस टाइम पे मैं तो अब तो मेरी क्लास इस टाइम पे वो है दस से ग्यारह वो क्या कहते हैं ग्यारह हो गई ग्यारह बजे के बाद मेरी कोई क्लास नहीं है अगर आपको टाइम होता तो आप पढ़ सकते थे बट आपकी पेड क्लास होती है मैं तो इसलिए नहीं ग्यारह बजे लगाती बट कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है सबका मानना ये था कि आठ बजे सभी फ्री हैं और आप लोग ऐसे घबरा गए हो जैसे मैं एक घंटे क्लास ले रही हूँ क्लास है ही नहीं वो मेरा मतलब ये था कि हम 15 से 20 मिनट सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। जैसे 25 क्वेश्चन आने हैं, तो 25 क्वेश्चन ही लेके आएंगे, 30 भी नहीं लेके आएंगे। 25 क्वेश्चन है, एक मिनट का भी समय लोगे, तो 25 मिनट ही लगेंगे। मैं कह रही हूँ एक क्वेश्चन को करने के लिए 25 एक मिनट नहीं लगता। इट्स थर्टी सेकेंड इंग्लिश है तीस सेकंड बहुत है सॉल्व थोड़ी करना है तो तीस सेकेंड बहुत है यानि कि आपको लगेगा क्वेश्चन को करने के लिए बाकी में हम उसको क्या करेंगे solve कर लेंगे और साथ ही साथ आपको भेज देंगे ये था तो साढ़े बारह मिनट लगेंगे पता नहीं आपने इतना दिमाग में क्यों सोचा हुआ है और जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार बीस मिनट हो जाएगा मत सोचो ना आप सिंपली ये सोचो कि आठ बजे से

वहां पे आपको लिखना नहीं है वहां पे कुछ सॉल्व नहीं करना यहां से अगर आपको याद आ गया तो तुरंत सॉल्व नहीं तो नहीं आया right? तो तो होगा क्यों एम आई राइट ऐसा है नहीं कि उसमें नही सोचते रहोगे सोचते रहोगे पेन कॉपी उठाना है अगर आपको रूल याद आ गया तो तुरंत अप्लाई नहीं आया तो आगे बढ़ो टाइम ऐसे ही मैनेज होता है तो तेरह मिनट आपको दिए जाएंगे जैसे ही तेरह मिनट खत्म वैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट और ऐसे बिल्कुल नहीं होगा कि एक क्वेश्चन कराया तुरंत सॉल्व एक क्वेश्चन कराया तुरंत सॉल्व ऐसा नहीं कराऊंगी मैं ओनली 13 मिनट आपको मिलेंगे 13 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आई थिंक ये टाइम बहुत ज्यादा है और अगले 10 मिनट में क्वेश्चन खत्म सॉल्यूशन मॉर्निंग 8:00 बजे नहीं कर सकते जी ट्राई टू अंडरस्टैंड ठीक है फाइन और ये टेस्ट में कोशिश करूंगी ऐसे 25 क्वेश्चन लेके जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सिर्फ आपके उस टाइप से क्वेश्चन लेके आएंगे सो so, साथ साथ आपका प्रैक्टिस हो जाएगा एक बढ़िया सा ठीक है एक्सप्लेन करेंगे एक्सप्लेन करेंगे बट तेरह मिनट का जो टाइम ड्यूरेशन आपका रहने वाला है वो सिर्फ आपका उस पर मेरी कोई इंटरफेर नहीं रहेगी थर्टीन मिनट फॉर यू एंड रेस्ट मिनट फॉर मी ठीक है, तेरह मिनट आपके लिए और अगर इस तरीके से आप करोगे ना मजा आ जाएगा ध्यान देना देखो तेरह मिनट आप देना है सिर्फ मेरे साथ आठ बजे आपका सेशन शुरू होगा कोई नमस्कार नहीं कुछ नहीं टेस्ट शुरू कर देंगे, चलो एक मिनट बच्चों को जुड़ने के लिए दे देंगे तो आठ बज के एक मिनट पे हम टेस्ट को शुरू कर देंगे ठीक है थर्टीन मिनट मिलेंगे एट फोर्टीन पे आपका टेस्ट ओवर हो जाएगा ठीक है और बाकी के मुश्किल से मुश्किल फाइव टू सिक्स मिनट लगेंगे इन पच्चीस क्वेश्चन को समझाने के लिए खत्म फायदा आपका इसमें यह है कि मैं बना के लेके आऊंगी तो आपके एग्जाम के एग्जाम वाला ही पैटर्न आएगा तो मेरे साथ अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है टॉपिक से टॉपिक वाला मत करो यहां पे क्योंकि अब, अब आपका एग्जाम चौबीस तारीख का है है ना चौबीस तारीख का है तो टॉपिक वाला यहां से मत करो जो मैं आपको ये आधा घंटा प्रोवाइड करा रही हूं तो यहां पे टॉपिक मत लेके आओ यहां पर केवल उन 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं जो आपके एग्जाम में एक मजेदार हेल्प मिले मिसलेनियस सब आएगा हाँ पूरा नहीं लेंगे नो ओनली फिफ थर्टीन मिनट कुछ चीजों पे टाइम लिमिट लगाई जाए तो मजेदार तरीके से सॉल्व होती हैं कुछ चीज़ों पे टाइम लिमिट अगर लगा दी जाए तो खेल को करने में मजा भी आएगा आपको भी और मुझे भी और किसी को बोझ भी नहीं लगेगा किसी को ज्यादा भी नहीं लगेगा आराम से थर्टीन मिनट यू निकल जाएंगी ठीक है तो ये पच्चीस क्वेश्चन थर्टीन मिनट अब आप आज प्रैक्टिस कर लो आपके पास समय है आप आराम से प्रैक्टिस करें और ऐसी प्रैक्टिस फिफ्टीन मिनट का क्विज एक ऐप पे भी होता है वहां भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है रोशन कह रहे हैं प्रीवियस ईयर टेंशन टेंशन मत मत लो लो बिल्कुल आई विल गिव को बेस्ट मैं आपको बेस्ट बना के लेके आऊंगी मैं आपको ट्राई करूंगी उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लाने का जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं मतलब अलग अलग जगह पे उन उन प्रीवियस ईयर बेस्ड पे उन क्वेश्चंस को लाने का जो प्रीवियस ईयर आए थे और फिर मैं कुछ बना के तैयार कर दूंगी उन टॉपिक से उन क्वेश्चंस को भी लाने का जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं तो ये सारा फॉर्मेट आपको इसमें मिलेगा और ये मेरे द्वारा ही बनाया गया होगा ओके फाइन हैप्पी? हाँ जी, शाम को आठ बजे शाम को आठ बजे रेडी इस टेस्ट को देने के लिए तैयार हो जाओ <laughs> और हाँ आज से ही होगा जी टाइम कम बचा है आज से ही होगा मैं अभी लगवा दूंगी जाके और आप सभी से रिक्वेस्ट है इग्नोर बिल्कुल ना कीजिएगा इस समय को थर्टीन मिनट की ही बात है क्योंकि अगर इंग्लिश या किसी और की एक नंबर की वजह से अगर क्वालिफाई नहीं हो पाया तो बाकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगी तो इसीलिए कोई भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना आराम से इस टेस्ट को थर्टीन मिनट निकाल के जरूर देना है ना वी डोंट नो कि कौन सा नंबर कहाँ काम कर जाए ठीक so है चलिए सो इंपॉर्टेंट एम सी क्यू का पीडीएफ दे दीजिए दे देंगे भैया ऐप पे डाल देंगे चौबीस तारीख तक डेली टेस्ट आज तारीख कितनी है सात तारीख है ज्यादा दिन बचे भी नहीं है डेली करेंगे और क्या यूट्यूब पे नहीं होगी प्रभु यही होगी यही होगी YouTube तो हमारी चलती ही है ना सात से आठ यूट्यूब वाला अलग है जिसको वो करना है वो करो ये आपके लिए मैं बनाऊंगी यूट्यूब वाला टाइपिस्ट बनाता है ये मैं बनाऊंगी आपको टाइपिस्ट को भी मैं ही देती हूँ कॉन्टेंट बट हां यहां आपके लिए मैं आपको लेके आऊंगी आपके हिसाब वाला ढूंढ ढूंढ के मेहनत कर करके ठीक है चॉइस है आपके पास देखो यूट्यूब पर टॉपिक वाइज नहीं हो रहा है सात बजे लेकिन हाँ कुछ स्टूडेंट्स का यूट्यूब पर डिमांड है कि क्लॉज करवाओ या कंडीशनल करवाओ तो एक दो दिन टॉपिक करा देंगे बाकी आप लोग यहाँ से पढ़ो आराम से प्रैक्टिस करो कोई डाउट है तो पूछ लो बट मुझे लगता है ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है अगर आपने इंटरेस्ट लिया तो ऐसे समझो बस फटफट फटफट -फट 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 आंसर करने आपको ठीक है टेलीग्राम लिंक इसमें नहीं डाल सकते हम टेलीग्राम मैंने बताई दिया है राजपूत इंग्लिश क्लासेस वहां पे आपको सारे टॉपिक के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे सारे टॉपिक के सारे मटेरियल पड़ा हुआ है तीन सौ से ज्यादा पीडीएफ पड़ी हुई है ठीक है अब हम जाए बाय टेक केयर ध्यान रखिए अपना पढ़ाई कीजिए नौ बजे तो चल रहा है रोशन नौ बजे चल रहा है टॉपिक वाइज लेकिन मैं तो ये बीपीएससी वाला बोल रही थी ना बीपीएससी शाम को सात से आठ चलता है और सिविल कोर्ट का सुबह नौ से दस चलता है लेकिन वो सिविल कोर्ट ना ही सोचो तो बेटर है वो टॉपिक वाइज चल रहा है वो किसी भी एग्जाम के लिए अच्छा है तो आप वहां से टॉपिक वाइज रिवीजन कर सकते हो कल प्रोनाउन का रिवीजन होगा और प्रोनाउन को कोई भी मत छोड़ना क्योंकि प्रोनाउन काफी इंपॉर्टेंट है प्रोनाउन सब्जेक्ट एग्रीमेंट से भी रिलेट करता है तो प्रोनाउन एक अच्छा चैप्टर है ठीक है टेक केयर बाय बाय स्टार थैंक यू